ट्रैक्टर की यह खासियत है कि एक तो इसका माइलेज भी अच्छा है, जी एक इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इसका डीजल 4 से 4.5 लीटर जी, को मैक्स गियर है, जी जी वाइब्रेशन नहीं है। बहुत अच्छा लगा जी, पल्लव भी बहुत अच्छा है जी, बढ़िया ट्रैक्टर है, अच्छा ट्रैक्टर है, इसलिए यही लाने की ख्वाहिश रखेंगे हम भी। किसान भाई आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा गियर ले रहा है प्लाऊ, और प्लाऊ की भी आप साइज़ देख सकते हैं, जो नॉर्मल प्लाऊ है उससे काफ़ी बड़ा प्लाऊ है। आप इसकी जो गहराई है वो भी माप सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहराई ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा है, वो कितने में पड़ा है इनको? अभी तो कुछ नहीं है सर इस ट्रैक्टर में, थोड़ा आगे वेट की प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं नया गाँव के पास, अठाना शहर है, वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुबोटा कंपनी का एक ट्रैक्टर चल रहा है, MU 5502, ये 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। किसान भाई YouTube चैनल पर काफ़ी सारे इसके बारे में वीडियो देखते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर की जो लाइव परफॉर्मेंस है वो आज हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि ये ट्रैक्टर इन्होंने लिया, इसके पीछे क्या वजह है। सर एक बार आप अपना परिचय बताइए किसान भाइयों को। सर मेरा नाम किशोर धाकड़ है जी, मैं गाँव अठाना से रहता हूँ। तो सर ये जो ट्रैक्टर है ये 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो इस कैटेगरी में दूसरी कंपनियों के भी ट्रैक्टर थे, लेकिन आपने इसी ट्रैक्टर को क्यों चूज़ किया? सर इस ट्रैक्टर की यह खासियत है कि एक तो इसका माइलेज भी अच्छा है जी, एक इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और ये 4-व्हील है इसलिए हमने लिया। तो ये जो ट्रैक्टर है आपने इसको लिया, और अभी तक कितना समय हो गया है? अभी इसको 12 महीने हो गए, साल भर हो गया इसको लिया। तो इसको लेने के बाद अभी तक आपने इस ट्रैक्टर को कितने घंटे चला लिया है लगभग? इसको अभी 500-600 घंटे चला है जी, अभी ज़्यादा नहीं चला हुआ है। अभी इसको प्लो के लिए लिया हमने जी जी, थोड़ा कल्टीवेटर पे चलाया, थोड़ा थ्रेशर पे चलाया जी, और अभी प्लो पे चल रहा है अब आपके सामने जी। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तक तो जैसे पहले ट्रैक्टर था अपने पास, अभी भी है जी, जॉन डियर है, पहले महिंद्रा था जी, अभी ये लिया उसके लिए प्लो के लिए, वो 2-व्हील है जी, वो थ्रेशर पे चलता है, इसको प्लो के लिए लिया हमने जी। तो प्लाउ पर आप इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं, तो अभी आपको इसकी जो माइलेज है वो कितनी मिल रही है? ये ट्रैक्टर है वो घंटे का कितना डीजल लेता है अभी? ये घंटे का डीजल 4 से 4.5 लीटर लेता है प्लो पे, एक घंटे का। हाँ जी, तो आपकी जो ये ज़मीन है वो थोड़ी अलग दिख रही है, तो यहाँ पर जो दूसरे ट्रैक्टर है वो कितना डीजल लेते हैं? वो भी यही लेते हैं, लेकिन वो ये ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, वो ज़्यादा समय लेता है वो ट्रैक्टर जी। तो इसके अलावा आपने इस ट्रैक्टर को चूज़ किया है, तो इसके पीछे खास क्या वजह, कौन से फीचर है जिसने आपको ज़्यादा आकर्षित किया है? इसमें फ्यूचर भी है, माइलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब चीज़ देख के ये ट्रैक्टर लिया। लेकिन वो ट्रैक्टर ही मतलब वो जॉन डियर है ना जी, वो भी बेस्ट है जी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ा फर्क है, एक सिंक्रोनस गियर है जी, जी वाइब्रेशन नहीं है जी, एक इसका लुक अच्छा है, दिखने में बेस्ट है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर एक किसान भाई और जुड़े हैं जिनके पास अभी ये 4-5 ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी अपना फीडबैक लेंगे। सर एक बार आप अपना परिचय बताइए। विनोद बंजारा ढाणी। तो आप अभी कौन कौन से ट्रैक्टर चला रहे हैं अभी? अभी महिंद्रा है, आइसर है जी, नेसी है जी, 3 तरह का ट्रैक्टर है हमारे पास। कितना समय हो गया आपको ट्रैक्टर चलाते चलाते? हमारे को 10 साल समथिंग हो। तो आप भी यहाँ पर इस ट्रैक्टर को देखने के लिए आए हैं, तो ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, पल्लव भी बहुत अच्छा है जी, बढ़िया ट्रैक्टर है, गहराई भी अच्छा है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में किसानों को? किसानों को बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है जी, इसलिए अच्छा ट्रैक्टर है, इसलिए यही लाने की ख्वाहिश रखेंगे हम भी जी जी। ओ बेटा ही जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ओनर है ये भी काफ़ी तरीके के जो कंपनी है उनके ट्रैक्टर यहाँ पर चलाते हैं, लेकिन ये भी कुबोटा की जो परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी प्रभावित है। अब आपको ट्रैक्टर का जो लाइव वीडियो है वो आपको दिखाएंगे कि इस ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा गहराई ले रहा है प्लाऊ, और प्लाऊ की भी आप साइज़ देख सकते हैं, जो नॉर्मल प्लाऊ है उससे काफ़ी बड़ा प्लाऊ है। आप देख सकते हैं कि जो लैम्केन के प्लाऊ आते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको भी बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इसके अलावा आप इस ट्रैक्टर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी देख सकते हैं, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा ट्रैक्टर है, तो अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन भी है तो वहाँ पर ट्रैक्टर टच नहीं होगा। इसके अलावा इस ट्रैक्टर की जो टर्निंग रेडियस है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी कम जगह में यह कटाई करता है और काफ़ी इजी स्टीयरिंग के साथ आता है। आप देख सकते हैं कि एक 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर इतनी कम जगह में कटाई अमूमन नहीं कर पाता है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर एक बेहतरीन काम किया है। इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दी गई है, इसी वजह से ट्रैक्टर काफ़ी कम जगह में आसानी से कटाई कर लेता है, और जो पावर स्टीयरिंग के पंप है इस पर भी आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे। ट्रैक्टर में बेवल गियर टेक्नोलॉजी दी गई है, 4 वॉल्व टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा ECDIS इंजन इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस ट्रैक्टर में किसी भी फीचर की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर की जो प्लाऊ के साथ जो गहराई है
काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्लाऊ का जो काम कर रहा है। इसके अलावा आप इसकी जो गहराई है वो भी माप सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहराई है। इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूअल पीटीओ का ऑप्शन मिलता है। पिछले जो टायर है वो काफ़ी चौड़े दिए गए हैं, इस वजह से इसमें स्लिपेज की ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्हील है वो भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं, और फोर व्हील ड्राइव होने की वजह से ट्रैक्टर में जो स्लिपेज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्लाऊ के साथ, वो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। 50 HP कैटेगरी में इतना बड़ा ट्रैक्टर भारत में शायद अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में आपको डबल डीजल फिल्टर, वाटर सेपरेटर मिल जाता है, और जो ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतरीन दी गई है, इस वजह से लंबे समय तक चलाने पर भी ट्रैक्टर आसानी से गर्म नहीं होता है। करो अब आप इस ट्रैक्टर का जो साउंड है वो सुन सकते हैं, काफ़ी साइलेंट ट्रैक्टर है। इतना साइलेंट ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी में भारत में अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसमें बैलेंसर शाफ्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, इस वजह से ट्रैक्टर काफ़ी साइलेंट है, और इसमें जो वाइब्रेशन है वो भी नहीं के बराबर है। और इस ट्रैक्टर में जो हल्की पुल्की आपको जो फ्रंट टायर, इसमें आपको जो स्लिपेज देखने को मिल रहा है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट वेट है वो इसमें कम लगाया गया है, इसी वजह से ये ट्रैक्टर हल्का पुल्का आगे से स्लिप हो रहा है। बाकी अगर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट बढ़ा दिया जाए तो ये जो हल्का पुल्का जो स्लिप हो रहा है वो भी इसमें समस्या खत्म हो जाएगी। वो भी इस ट्रैक्टर का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा वेट है वो बढ़ाना है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में ड्यूअल पीटीओ, ड्यूअल क्लच और सिंक्रोमैश गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें 12 गियर आगे के लिए और 4 गियर रिवर्स के लिए मिलते हैं। सिंक्रोमैश गियर होने की वजह से ट्रैक्टर को किसी भी गियर में, किसी भी स्पीड में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको गियर चेंज करते वक्त ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, और काफ़ी स्मूथ तरीके से ट्रैक्टर चलता है। काफ़ी लो RPM पर भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इस ट्रैक्टर का जो डैशबोर्ड है उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो फुली ये ट्रैक्टर फीचर लोडेड है, कंपनी इस पर 5 साल की वारंटी भी देती है। काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है, और इस कैटेगरी में इस ट्रैक्टर को कंपटीशन देने वाला अभी तक कोई ट्रैक्टर भारत में अवेलेबल नहीं है। किसान भाई, उस ट्रैक्टर के बारे में सर की जो भी जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको दिखाई कि ट्रैक्टर कितना अच्छे तरीके से काम करता है। अब सर से जानेंगे कि ये जो ट्रैक्टर इन्होंने ख़रीदा है वो कितने में पड़ा है इनको। सर, ये ट्रैक्टर मेरे को लबाना मोटर्स चित्तौड़ से लिया जी। ये उस वक्त 8 महीने हो गए मेरे को ट्रैक्टर लिए हुए को जी। ये उस वक्त 10,60,000 रुपये में पड़ा सर। तो सर ने अभी इस ट्रैक्टर के बारे में जो भी बढ़िया बातें हैं वो सभी बताई है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में आपको क्या कमी देखने को मिली है? कमी तो कुछ नहीं है सर इस ट्रैक्टर में, ये आपके सामने चल रहा है। तो सर्विसिंग और सब कुछ हमको अच्छी दे रहे हैं वो जी। लेकिन थोड़ा आगे वेट की प्रॉब्लम आ रही है जी, जी। तो उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में भिजवा देंगे जी। तो वो भिजवा देंगे, उन्होंने मंगवा रखा है जो वो भेज देंगे। ये इतनी तकलीफ आ रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे से स्लिपिंग हो रही है जी, जी। तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में भिजवा देंगे जी। तो इस ट्रैक्टर में सिर्फ जो अगले व्हील है वहीं से स्लिप होने की जो हल्की पुल की जो समस्या आ रही है उसमें ट्रैक्टर की जो कंपनी है या ट्रैक्टर की जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई फॉल्ट नहीं है। सिर्फ जो आगे वाला वेट है वो थोड़ा कम है, इसी वजह से ये स्लिप हो रहा है। अगर आप भी चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप लबाना मोटर से कुबोटा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आप खरीदना चाहते हैं तो उनके हम कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके इस ट्रैक्टर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस ट्रैक्टर के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी। इस ट्रैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बेहतरीन ट्रैक्टर के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप कृषि से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और Instagram, Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।